नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक मज़ेदार टॉपिक। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के अजूबे के बारे में। वैसे तो दुनिया में 7 अजूबे हैं, जिनमें से एक अजूबे की आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। इस अजूबे का नाम है चिचेन इत्ज़ा। चिचेन इत्ज़ा दुनिया के अजूबों में से एक है। ये अमेरिका के मैक्सिको में स्थित है और मैक्सिको में बसी यह चिचेन इत्ज़ा नाम की इमारत दुनिया का परिचय माया सभ्यता के उन्नत वास्तुशिल्प का ज्ञान कराती है। ये स्थान माया सभ्यता का प्रमुख केंद्र माना जाता है। चिचेन इत्ज़ा में शहर के बीच कुकुलंकन का मंदिर है। ये मंदिर 79 फीट ऊंचाई तक बना हुआ है। इस मंदिर की 4 दिशाओं में 51 सीढ़ियां हैं और प्रत्येक सीढ़ी साल के एक दिन का प्रतीक है और 365वां दिन ऊपर बने चबूतरे को माना जाता है। में मैक्सिको ने स्मारक और पुरातत्व कलात्मक और ऐतिहासिक स्थलों पर संघीय कानून जारी किया, जिसके तहत चिचेन इत्ज़ा सहित देश के सभी पूर्व कोलंबियाई स्मारकों को संघीय स्वामित्व के अधीन ले लिया गया। अब चिचेन इत्ज़ा में प्रतिवर्ष हजारों नहीं तो कम से कम सैकड़ों पर्यटक की भीड़ तो होने की। और पूर्वी क्षेत्र की ओर स्थित कानकन रिजॉर्ट के विकास के साथ इस संख्या में वृद्धि की उम्मीद बढ़ गई। 1980 के दशक में चिचेन इत्ज़ा के वसंत एक्निकोस के दिन पर्यटकों की बाढ़ आनी शुरू हुई। आज कई हजारों लोग कुकुलकेन के मंदिर पर होने वाले प्रकाश व छाया प्रभाव को देखने के लिए एकत्रित होते हैं, जिसमें अनुमानित तौर पर पंख वाले नाग देवता को पिरामिड के किनारों से नीचे रेंगते देखा जा सकता है। चिचेन इत्ज़ा जो एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, मैक्सिको के पुरातात्विक स्थलों में दूसरा सबसे अधिक दौरा किया जाने वाला है। यह पुरातात्विक स्थल कानकन रिजॉर्ट से बहुत सारे यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जो टूर बसों द्वारा वाहन दिन में यात्रा करते हैं। 2007 में चिचेन इत्ज़ा के अल कैसिटलो को एक विश्व स्तरीय बोर्ड के आधार पर दुनिया के 7 नए अजूबों में से एक चुना गया। यह वोट एक व्यावसायिक उद्यम द्वारा प्रायोजित था और इसकी कार्य प्रणाली की आलोचना किए जाने जैसे तथ्यों के बावजूद इस चुनाव का मैक्सिको के सरकारी और पर्यटन अधिकारियों द्वारा स्वागत किया गया हो जाने की उम्मीद है। आगामी प्रचार ने मैक्सिको में साइट के स्वामित्व पर बहस को पुनः प्रज्वलित कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 29 मार्च 2010 को युक्टान राज्य ने हैंस ज्यूक थियस 12 बाचानों से वह भूमि क्रय कर लिया जिस पर सबसे ज्यादा स्मारक स्थित है। पिछले कई वर्षों से INAH जो इस स्थल का प्रबंधन करती है, सार्वजनिक अभिगम के लिए स्मारकों को बंद कर रही है, जबकि पर्यटक उनके आसपास चल सकते हैं। वे अब उन पर चढ़कर उनकी कोठरियों के अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि कैलिफोर्निया की एक महिला की 2006 में उसमें गिरने से मौत हो गई थी, जिसके बाद इसे बंद कर दिया गया।